अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज है 22 तारीख, तो खाने की वीडियो आप लोगों ने देख ली होगी। तो उसका दूसरा पार्ट है ये, यानी कि फाइनल डेकोरेशन, क्योंकि खाना बनता है और डेकोरेशन होता है जब ही जो है पूरा प्रोग्राम जो है कंप्लीट होता है। तो बस यहाँ पर जो है मैंने शुरू कर दिया है डेकोरेशन करना। तो यहाँ जो है बलून जो छत वाले हैं ना, तो सबसे पहले मैंने सोचा कि छत को डेकोरेट कर देते हैं, फिर उसके बाद जो है दीवार वगैरह करेंगे। तो बस सबसे पहले जो छत के बलून है ना, ये गोल्ड और रेड कलर के मंगाए थे सेट, तो उनको मैंने जो है हवा भर ली है। और बस अभी इन पे जो रिबिन है वो हम लोग लगा रहे हैं। तो यहाँ पर रेड और गोल्ड कलर का रिबिन भी है, तो वह हमने गुब्बारे में बांध दिया है बलून में। और बस यहाँ पर जीसान जो है हेल्प कर रहा है, तो जीसान जो है बलून को लगा रहा है। तो छत पर जो है हमको इनको राउंड राउंड लगाना है, मतलब एक फूल बन जाएगा जैसे कि फ़ोटो में दिखाया गया था उसी तरीके से। तो मैंने कहा इस तरीके से लगाना था, मैं बस बताती जा रही हूँ। और पूरे बलून जो है हमने तैयार कर लिए, तो बस उठा कर टैप लगा के देना है। और जीसान यहाँ पर जो है लगा दे रहा है, और लगने के बाद जो है बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहा था ये फूल, आप देखना आगे। और इस पे जो है हम जो फ़ोटो हमने बनवाई है ना वो लगा देंगे, तो बहुत अच्छा जो है डेकोरेशन हो जाएगा। और आगे आप लोग देखोगे बहुत प्यारा डेकोरेशन हुआ था, मतलब जैसा मैं सोच रही थी ना उसके मुताबिक बहुत अच्छा हो गया था। और हम लोगों ने घर में इतना अच्छा डेकोरेशन कर लिया, फिर ये भी मैं सोच रही थी। तो यहाँ बस बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं, जैसे कि सानिया है और अक्सरा है, बीटू है, तो और ऊपर खाना बन रहा है और यहाँ पर हम लोग ये डेकोरेशन कर रहे हैं। और बुलबुल जो है खाना बना रही है, तो बस रोटियाँ सेकने के लिए मैंने बोल दिया था कि गुलफसा तुम चली जाओ साथ में रोटियाँ सेकवा लेना। और यहाँ देखिए फूल हमारा कंप्लीट हो गया है। तो बस अभी यहाँ पर जो लाइट वाले बलून मंगाए थे ना वो और लग जाएंगे, तो बस ये कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हमने ये कंप्लीट कर दिया है और अब हम जो है दीवार को डेकोरेट करना चालू करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले फुलाना है ये वाले बलून जो हमने सिल्वर कलर और पर्पल कलर जो है मंगाया है। तो ये जो है 250 बलून है, 250 बलून का पैकेट मंगाया था हमने। तो बस वो सारे पहले हवा भरना है और फिर उसके बाद उनको सेट करना है। तो यहाँ अभी देखोगे आप थोड़ी देर बाद के पूरे हमारे रूम में जो है बलून ही बलून थे। और यहाँ देखिए इनाया क्या कर रही हैं, और सुबह से जो है मुझे ना ही नहाने का मौका मिला है ना ही अपने बाल सही करने का मौका मिला है, क्योंकि एक काम की करने के बाद दूसरा काम तैयार रहता है। तो बस ऐसा ही होता है, जब घर में प्रोग्राम होता है ना तो हम खुद से तैयार नहीं हो सकते हैं, क्योंकि कुछ ना कुछ काम हो जाता है। तो बस यहाँ पर जो है मैं चली गई थी थोड़ा ऊपर देखने के लिए, अंकल जो है कुछ काम बोल रहे थे, तो बस उसी को देखने के लिए। और यहाँ पर गुलफसा और जीसान जो है बलून फुला रहे हैं, और फिर उसके बाद जो है इनाया रोने लगी थी, तो फिर मैंने कि चलो इनको सुला देते हैं, फिर उसके बाद जो है मैं डेकोरेशन करना शुरू करूँगी जब तक ये बलून जो है फूल कर जो है तैयार हो जाएंगे। तो बस मैंने बुलबुल के रूम में जो है इनाया को सुलाने चली गई थी, और उसके सोने के बाद ही मैं यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि बच्चे सो जाते हैं ना तो काम आराम से हो जाता है। और सुबह से जब से वो उठी है, जब से बस वो खेल रही है, कहीं रोने लगती है तो ऐसा ही हो रहा है। तो बस यहाँ पर इनाया सो गई है, तो बस मैं और बुलबुल आ गए हैं, और जो है बलून पूरे फूल चुके हैं। तो यहाँ देखिए गुलफसा और जीसान की जो है चल रही है सेल्फी। तो बोल रहे थे कि इनाया को इसमें बिठाल कर जो है हवा फ़ोटो क्लिक कर लेते हैं, लेकिन मैंने कहा वो इनको फ़ोटो क्लिक नहीं करवाएगी, फोड़ देगी। तो यहाँ पर मैं थोड़ी सी जगह कर रही हूँ, बाहर की साइड डाल दिए हैं बलून, क्योंकि रूम पूरा भर गया था और समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ से काम शुरू करें। तो बस यहाँ पे जो है बुलबुल और भैया हेल्प कर रहे हैं बलून में रिबिन बांधने का, और मैं जो ये बलून है साइड साइड में पूरी लाइन लगवाऊंगी, मतलब पूरे डेकोरेशन ऊपर का हो जाएगा कंप्लीट, क्योंकि लाइनें खाली लग रही हैं और ये बलून का कॉम्बिनेशन भी हो जाएगा छत पर। तो इस तरीके से
तो बस यहाँ पे जो है हम लोगों की बातें चल रही हैं और साथ साथ में काम भी हो रहा है। और जिसान से मैं बोल रही हूँ कि साथ साथ में तू लगाता भी जा जिससे जल्दी काम हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। तो बस जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो इनाया जो है अपनी बर्थडे की वीडियो देख रही है तो बोल रही है चाचू, क्योंकि उसमें चाचू दिख रहे हैं ना उसको, इसलिए। तो बस यहाँ पर जीसान जो है लाइन से लगाता जा रहा है इनको इस तरीके से, एक पर्पल और एक जो है सिल्वर कलर। और यहाँ पर जो है दूल्हा भाई बाजी भी आ गए हैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए कि बहुत अच्छा डेकोरेशन कर रहे हैं। और बलून भी जो है बहुत अच्छे लग रहे हैं, मतलब शाइनी बलून है, क्योंकि यहाँ से लाते हैं ना लोकल से तो अच्छे बलून नहीं आते हैं तो इसलिए। और बस यहाँ पे जीसान अपना काम कर रहा है, बच्चे मस्ती कर रहे हैं और हम लोग भी साथ साथ में जो है अपना काम करते जा रहे हैं और बच्चे भी हेल्प कर रहे हैं कौन सा बलून चाहिए। और बस इसी तरीके से हमारे जो है डेकोरेशन का काम चल रहा है, ऊपर खाना भी तैयार होने वाला है। तो बस यहाँ से मैंने गुलाबसा से बोला कि गुलाबसा तुम जो है टेप काट काट के लगा दो, तो गुलाबसा ने जो है ट्राईपोर्ड पे ही जो है टेप लगा दिए बहुत सारे और इस पे से छोटा छोटा के लगाते जाओ। तो बस क्योंकि टेप बार बार काटना पड़ रहा था तो थोड़ा सा लेट हो रहा था, तो बस सभी मिलकर यहाँ पर डेकोरेशन कर रहे हैं। मतलब अभी दीवार तो बाकी है, पहले ऊपर का काम हो जाए तो फिर दीवार आराम से हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये डेकोरेशन हो गया है कंप्लीट। और जब हमने और डेकोरेशन किया था ना तब मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था मुझे और बार बार मोबाइल सेट करना जो है बहुत मुश्किल हो रहा था। और फिर ये भी चले गए थे तो मतलब था नहीं कोई, तो बस जीसान और हम जो है मिलकर और भैया मिलकर हम लोग ये कर रहे थे सारा काम। तो यहाँ देखिए मैंने किस तरीके से जो है डेकोरेशन किया है, तो यहाँ रखे हैं बच्चों के गिफ्ट और थोड़े से गेमिंग के सामान। और ये देखिए मुझे एक चुन्नी मिल गई थी तो ये इस तरीके से लगा दी है और प्ले बटन। और यहाँ देखिए हमारे टेबल जो केक कटेगा वो टेबल है। और ये पीछे मेरा बैकग्राउंड देखिए मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया है, अच्छा लग रहा है ना, हम लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। और ये है इनाया का नाम जो हमने मंगाया था, और ये जो मीशो से सेट मंगाया था ना गोल्ड वाला और ब्लैक गुब्बारे गोल्ड गुब्बारे, ये सारे मीशो के ही हैं। और यहाँ देखिए जो हमने सेल्फी के लिए बनाई थी वो ये है, और इसमें नाम ठीक हो गया है लेकिन एन तो उल्टा ही रहेगा और इसका रीज़न मैं बता चुकी हूँ। और यहाँ देखिए ये हमने लाइट मंगाई थी ना जो गोल्ड कलर की, वो इस तरीके से लगा दिया है। और इस साइड हैप्पी बर्थडे के बलून लगा दिए हैं। और यहाँ जो टेबल रखी है वो बच्चों के खाने पीने के सामान की टेबल रखी है। ये देखिए ये जो स्टैंड मंगाए थे ना मैंने वो इसलिए यूज किए हैं। और ये देखिए तो मैंने अलग अलग कॉर्नर बनाए हैं बच्चों के लिए टेबल के, जैसे कि ये है बच्चे यहाँ से जो भी चीज़ खाना चाहेंगे वो यहाँ से उठा के खा सकते हैं और वहाँ पर गेम खेलेंगे और फिर वहीं से उनको गिफ्ट भी मिलेंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारी टेबल है एक जो बड़ी प्यारी लग रही है। तो इस तरीके से जो बर्थडे है मैंने पहली बार मतलब डेकोरेशन किया है, डेकोरेट किया है। और यहाँ खाने पीने की मैंने सारी चीज़ें बच्चों को जो भी पसंद रहता है टॉफ़ी कैंडी और केक वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ मैं दिखा देती हूँ आलिया और इनाया की ड्रेस जो कि वो पहनने वाली हैं बर्थडे में। और ये है आलिया की और इसके बगल में रखी है इनाया की। तो बस रूम का हमारा डेकोरेशन तो हो गया है पूरा, आप लोगों ने देख ही लिया है। ये देखिए हमारा बैकग्राउंड। मुझे आप लोग बताना कि आप लोगों को सबसे
प्यारा क्या लगा है, सबसे ज़्यादा पसंद क्या आया है। और यहाँ देखिए मैंने फ़ोटो लगाए हैं, हर मोमेंट की फ़ोटो लगाने की कोशिश की है, बचपन से लेके बड़े होने तक की। तो आप लोग कुछ कुछ फ़ोटो देख के पहचान भी रहे हो, क्योंकि ये सारी फ़ोटो मैंने ब्लॉग में से ही ली है, क्योंकि मुझ पर उसकी फ़ोटो नहीं थी। क्योंकि ब्लॉगिंग करते हैं तो सिर्फ वीडियो बनाने का शौक़ हो गया है, सेल्फ़ी का शौक़ मुझे है ही नहीं, शुरू से ही नहीं है। मैं खुद की सेल्फ़ी भी नहीं लेती हूँ, ना ही तो बच्चों की फ़ोटो लेती हूँ, सिर्फ वीडियो बनाती हूँ। तो बस वीडियो में से ही मैंने सारी फ़ोटो ली हैं। ये देखिए सारी फ़ोटो वीडियो की है, और आप लोग इन फ़ोटो को पहले भी देख चुके हैं, इन सारे मोमेंट को आप लोग शुरू से देखते आए हो। और ये तो बिल्कुल अभी का है सैनिटाइज़र तो याद रहेगा कोरोना। और ये देखिए फर्स्ट टाइम जो है इन्नू गई थी मार्केट, तो सारे फ़ोटो में कुछ ना कुछ है। और ये फर्स्ट टाइम अपने नानी के घर जा रही थी, और गाड़ी में बैठ के अपने पापा के साथ आ गए। और यहाँ देखिए आलिया इनाया पे जगह, वो इनाया आलिया को यहाँ स्कूल गए थे। और ये तो बुलबुल के बर्थडे की है। और ये देखिए नीचे से तो डेकोरेशन में जो है सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगा है वो आप लोग बताना। मुझे तो सबसे ज़्यादा अच्छा ये फ़ोटो वाला ही लगा है, और दूसरे नंबर पे आता है बैकग्राउंड, क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा डेकोरेशन किया है। और आप लोग बताना मैंने कैसा डेकोरेट किया है रूम को, ये भी बताना, और सबसे अच्छा क्या लगा है वो भी बताना। और हम लोग जो है डेकोरेट करके पूरा घर को जो है मतलब रूम को जब फ्री हुए थे 8 बजे, और 8:30 बज गए थे शायद, अभी शायद आपको घड़ी में दिखाई भी दे जाएगा। और यहाँ देखिए पूरे हमने झालर लगाई है, जो हमने स्टार वाली मंगाई थी तो वो हमने इस तरीके से लगा दी थी, इस साइड और उस साइड दोनों साइड लगा दी थी, और बड़ी प्यारी लग रही थी ये। एक गोल्ड कलर की है और एक मल्टी कलर कलर की है, तो इन्होंने जो है 2 मंगाई थी। तो यहाँ आप टाइम भी देख सकते हैं 9:15 बज रहे हैं, और मैं नीचे हूँ खाना वगैरह निकाल रही हूँ, दस्तरखान लगा रही हूँ, और यहाँ मैं लाइट ऑफ करके बता रही हूँ किस तरीके से जो है, क्योंकि ये वीडियो शूट कर रहे हैं ये, मैं खाना निकाल रही हूँ नीचे। और यहाँ देखिए ये लाइट ऑफ करके दिखा रहे हैं, कितना प्यारा लग रहा है ना लाइट ऑफ करने के बाद भी, क्योंकि लाइटिंग लगाई है तो उस वजह से बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। और ऊपर जो है छत पे जो है बलून लगे हुए हैं लाइट वाले, वो भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। और जिस टाइम पर मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उस टाइम पर हो रही है बहुत झमाझम बारिश, तो थोड़ी सी आपको आवाज़ भी आ रही होगी इसकी। तो लीजिए आपको मिल गया है डेकोरेशन का पूरा फुल वीडियो, और बस इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहीं पर। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, यानी कि इनाया के बर्थडे के कटिंग वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।